अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए अंदाज में चिकन गोल्ड कॉइन बनाने जा रहे हैं। व्यूवर्स की बहुत मांग थी, इसलिए मैंने आज इसे बनाना मुनासिब समझा। क्योंकि रमज़ान भी अब जाने पे है तो हम बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है चिकन का, और इसको चॉपर में अच्छी तरह घुमा कर बारीक कर लिया है। देखिए, एकदम अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। इसमें डालने के लिए हमें जो चाहिए मसाले वो ये हैं: एक चम्मच चिली फ्लेक, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा से कम काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच भुना जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5-2 चम्मच और नमक टेस्ट के हिसाब से और फूड कलर ये है। और ये सोया सॉस है थोड़ा सा, और ये चिल्ली सॉस, और ये मायोनीज, और ये दही। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच वो लगाने के लिए हमने तिल लिया है, और वो बाद में अप्लाई करेंगे। ये 2 चम्मच मैंने दही इसमें डाल दिया, और एक अंडा इसमें तोड़ के मिला लेंगे, और ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और ये सोया सॉस, चिल्ली सॉस डाल देंगे, और ये सोया सॉस डाल देंगे, और ये थोड़ा सा मेयोनीज डाल देंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये मैंने चिकन में सारे मसाले मिक्स कर लिए, और अब इसमें थोड़ा सा हम ब्रेड क्रम डालेंगे। ये बाइंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। अगर ब्रेड क्रम ना डालें तो कॉर्नफ्लोर डाल दें, या फिर चने का आटा डाल दें, कुछ भी डाल दें। हम ब्रेड क्रम डाल रहे हैं, और इसको इस तरीके से मिलाकर अब थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। फिर जब तक हम आपको ब्रेड बताते हैं ब्रेड कैसे काटना है। अब हम ब्रेड के पीसेस लेंगे, और एक एक ब्रेड के पीस को इस तरह से, कोई भी गोल सर्कल बर्तन हो, ग्लास मैंने लिया है, ग्लास से इस तरीके से काट लेंगे। सभी को एक ही शेप में काट लेंगे। और ये जो ब्रेड के पीसेस बचते हैं उसका ब्रेड क्रम बनता है, जैसे ये वो यूज। इसी तरह सारी टिकिया काट लेंगे, फिर हम बताते हैं कि कैसे इस पे अप्लाई करना है। ये बहुत इजी डिश है। देखिए, मैंने सारे ब्रेड के इस तरह से काट के रख लिया है, और ये अंडा फेंट के रख रहे हैं। पहले हम एक अंडा फेंट रहे हैं, अगर एक अंडे में कम पड़ा तो फिर दूसरा भी इस तरह से फेंट लेंगे, लेकिन अभी हमने एक ही फेंटा है। और इसमें ब्रश डालेंगे, ब्रश से ये ब्रेड पे अंडा अप्लाई करेंगे। फिर इस पे ये पेस्ट लगाएंगे चिकन का, इस तरीके से हम चिकन का पेस्ट लगाएंगे। सर्कल एकदम सर्कुलर होना चाहिए और थिन लेयर होना चाहिए। फिर इसके बाद ये जो अंडा है, अंडे का लेप लगाएंगे, वापस से अंडे की लेयर लगाएंगे। फिर इसके बाद ये तिल को हम इस पे डाल देंगे। बस एक ही तरफ लगाना है। ये एक गोल्ड कॉइन तैयार हुआ। अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे 1.5-2 घंटे के लिए। इसके बाद इसी तरह हम सारी टिकिया तैयार करेंगे, फिर आपको सर्व करके बताना है।
देखिए अब मैंने सारे गोल्ड कॉइन बना के प्लेट में रख दिए हैं। अब इसे हम फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए 10-15 मिनट आधा घंटा अपने हिसाब से रख देंगे। फिर इसके बाद इफ्तार के टाइम पे हम फ्राई करेंगे, फिर आपको सर्व करके बताते हैं। अब हमने इसे एक घंटा फ्रिज में रखा था और अब फ्राई करने के लिए निकाले हैं। तो तेल मैंने पहले ही गरम करने रख दिया है। तेल जब एकदम गरम हो जाएगा तब हम एक के बाद एक डालेंगे। पहले थोड़ा सा एक जर्रा डाल के देखते हैं। हाँ देखिए अब तेल गरम हो गया है। फिर हम एक एक करके ये टिकिया डालेंगे। इसमें तिल रहता है, तिल चटकता है इसलिए आवाज आती है। गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे उलट पलट कर ताकि कीमा कच्चा ना रह जाए। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे, पलट कर भी देखेंगे। सब जगह से पक गया है। अब एक एक करके इसे टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। इसी तरह हम सारे कबाब तल के आपको सर्व करके बताते हैं। अब हमारा गोल्ड कॉइन सर्व करने के लिए रेडी हो गया है, फ्राई कर लिया है हमने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रमज़ान के महीने में आप खाकर बनाकर मुझे भी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।